भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज में तीसरा T20 मैच के अंदर जो लास्ट के क्षण थे वे कुछ विवादास्पदी रहे। ऐसा क्या हुआ तो वही जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 दिन बीत गए हैं और वो कॉन्ट्रोवर्शियल 6 पर अब भी यहाँ पर अलग अलग बयान दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। बात करें यहां पर तिलक वर्मा की, तो तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेली और जब 49 रन पर थे तो टीम इंडिया को मात्र 2 रन ही चाहिए थे और बॉल भी यहां पर 24 बॉलें यहां पर पड़ी थी। लेकिन फिर भी अगर कप्तान हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे और वो चाहते थे तो तिलक वर्मा का यहां पर अर्ध शतक पूरा हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और 2 रन की बजाय उन्होंने सीधा स्टेट में 6 लगा दिया। और तिलक वर्मा यंगस्टर आईपीएल के हीरो वो अपनी T20 के अंदर पहली अर्धशतकीय पारी से चूक गए। तो कहीं ना कहीं इस पर अब कप्तान हार्दिक पांड्या ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझसे गलती हो गई और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक यंगस्टर के लिए मुझे कुछ प्रेरणा स्रोत वाले काम ही करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सका, मैं तिलक वर्मा से माफी चाहता हूं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल लॉन्ग वे क्रिकेट को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।